अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जैसे ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो को देखते हुए आपको काफ़ी सारी जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं, और ये उन लोगों की एडवर्टाइजमेंट होती हैं जिनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो, और जिनका चैनल मोनेटाइज हो लाजमी बात है उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, मसला कुछ इस तरीके से है कि परसों मेरे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था अब तक का, उसमें से $7 की डिडक्शन हुई और मैं बहुत परेशान हो गया कि व्हाई दिस हैपेंड, क्योंकि $7 बनते हुए काफ़ी दिन लग गए थे तो डिडक्शन क्यों हुई। तो उसका जवाब भी यूट्यूब ने खुद ही दे दिया। वो इस तरीके से दिया कि यूट्यूब जो है वो उसने कल को एक ईमेल भेजी, वो ईमेल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। उसमें उन्होंने लिखा, पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो उसकी हकीकत का भी पता लग जाए, फिर मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। उसने कहा है कि वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट US टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट टू क्रिएटर आउटसाइड ऑफ द US लेटर दिस ईयर। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल बी आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस टू डिटरमिन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू डिडक्ट। देखें, बात कुछ इस तरीके से है कि ये जो अभी डिडक्शन हुई है हमारे अकाउंट से, ये हुई है बुनियादी तौर पर टैक्सेस जो कि US गवर्नमेंट ने हर उस यूट्यूब क्रिएटर के ऊपर लगाए हैं जिसका ताल्लुक US यानी आउटसाइड द US है। और ये टैक्स कितने हैं ये डिपेंड करता है आपकी अर्निंग के ऊपर। अब जिन लोगों की अर्निंग ज़्यादा होगी उसका जो डिडक्शन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका कम डिडक्शन होगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो डिडक्शन हमारे पास हुई है, हमने इसको क्या करना है, इसको फाइल भी करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट के ऊपर जाकर जितने भी टीचर्स हैं या दूसरे लोग हैं अपनी इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से हमें भी YouTube की जो लिंकेज है जिसके साथ, यानी गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर जाकर इसकी जो इनकम टैक्स फाइल है वो करनी पड़ेगी। इनकी तरफ से जो मैसेज आया है वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही वीक्स के अंदर, यानी फ्यू वीक्स के अंदर, 2-3 वीक्स के अंदर गूगल एडसेंस के ऊपर एक ऑप्शन ये अपीयर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 5-6 पेजेस का होगा, जिसके अंदर पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी है और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है आपका। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग मिसाल के तौर पर ये जो टैक्स है वो अगर फाइल नहीं करते तो अल्टीमेटली आपका 24% जो आपकी अर्निंग है उसकी डिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ योर टैक्स इन्फो इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द 31st of May 2021, गूगल मे बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अप टू द 24% ऑफ योर टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। तो ये 24% जो है ना वो 31 मई से पहले पहले अगर आप लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो मजबूरन आपको 24% जो है वो इनकम कटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब YouTube ये ऐसी पॉलिसियाँ क्यों इख्तियार कर रहा है। असल में ये है कि US जो गवर्नमेंट है उसका जो कानून है उसका Chapter No. 3 ये इलस्ट्रेट करता है, ये बताता है कि जितने भी YouTube वीडियो क्रिएटर्स हैं और जो कि आउटसाइड ऑफ द US जो लोकेट कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्शन लागू होगी, ख्वाब वो जितना भी अर्निंग कर लें। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स है लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने 31 मई से पहले इसको फाइल नहीं किया तो फिर अल्टीमेटली आपको 24% जो है ना वो होगा, यानी आपको 24% जो है ना वो इसकी डिडक्शन करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर यह सवाल एक और उठता है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हाउ विल माई अर्निंग बी इम्पेक्टेड, यानी कौन सी आपकी जो कमाई है उसके ऊपर असरात मुरतब होंगे डिडक्शन के। वो तमाम कमाई जो YouTube के हवाले से आप लोग कमाते हैं, जैसे कि थ्रू एड व्यूज़ की मदद से, YouTube प्रीमियम की वजह से, सुपर चैट, सुपर स्टिकर एंड चैनल मेंबरशिप के तहत, ये जितनी भी है आपकी अर्निंग ये सब डिडक्शन के अंदर जाएगी। लेकिन कितनी जाएगी, बहुत थोड़ी जाएगी, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी जो कि एडसेंस कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको भेजेगा। जैसे ही ये टैक्स फाइलिंग का तरीक़ेकार आएगा मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फाइलिंग करनी है टैक्स की, जो कि आपके यूट्यूब की डिडक्शन होगी उसके टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों को अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर आप लाइक करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि जो कुछ नया होने जा रहा है यूट्यूब के हवाले से हर बंदे के नॉलेज में होना चाहिए। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।